विदेश मंत्री एस जयशंकर, टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय, स्वागत रॉय समेत विपक्ष के कई नेता संसद भवन पहुंच चुके हैं। इस बैठक में सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगी। रिस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अफगानिस्तान में भारत के निवेश तक तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया गया है, जिसे विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला इस सर्वदलीय बैठक में रखेंगे और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम नेताओं के दलों तमाम नेताओं के सवालों का जवाब भी देंगे। तस्वीरें आपके सामने पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग की, जहां एनसीपी नेता शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको बैठक कक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे संसद भवन से आ रही हैं, जहां की पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे को जाते हुए देख रहे हैं। सभी दलों के नेताओं को, फ्लोर लीडर्स को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार खुलकर इसमें अपनी अफगानिस्तान की अभी तक नीति, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से चालू किया गया देवी शक्ति ऑपरेशन की जानकारी सभी पार्टियों के नेताओं के साथ साझा करेंगे। अंकित गुप्ता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अंकित, बैठक शुरू? बिल्कुल विकास, बैठक शुरू हो गई। मैं इस कमेटी रूम के पास में ही हूँ और देख सकता हूँ कि किस तरीके से बैठक में जो जो नेता आए हैं उन सबके बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस दल से कौन सा नेता आया है। पीयूष गोयल इस बैठक में मौजूद है, वी मुरलीधरन मौजूद है, जयशंकर मौजूद है सरकार की तरफ से, उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, ये वो सारे नेता हैं जो सरकार की तरफ से मौजूद है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला यहाँ पर मौजूद है और बात की जाए विपक्षी पार्टियों की तो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से हमको नजर आए हैं, आनंद शर्मा नजर आए हैं, टीएमसी की तरफ से सुखेंदु शेखर रॉय, और यहाँ पर अन्य दलों की बात की जाए तो टीआर बालू भी नजर आए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर के जो तमाम विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जो सरकार उनके सामने पहले प्रेजेंटेशन रखेगी जिसके लिए तैयारियां की गई हैं और उसके बाद उस प्रेजेंटेशन के आधार पर जो विपक्षी सांसदों के या जो विपक्षी जो नेता है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग के सभागार की, जहाँ पर ये बैठक होने जा रही है और बैठक की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम दलों के सर्वदलीय बैठक के इस सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों के नेता पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप संसद भवन से देख रहे हैं, जहां पर भारत सरकार की तरफ से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात पर और भारत सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन देवी शक्ति से जुड़ी तमाम जानकारी साझा की जाएंगी। सर्वदलीय बैठक से पहले एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि तालिबान पर भारत दुनिया में अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी। दादा, आपने ट्वीट करके भी ये मांग की थी कि कुछ तो बताया जाए सरकार की तरफ से। आज ब्रीफ कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप लोगों की क्वेरी क्या है, क्या जानना चाहते हैं? क्या आप लोग ये भी चाहेंगे कि सरकार बताए तालिबान के प्रति अप्रोच क्या रहने वाला? देखिए, सरकार तो कम से कम पहले बताए कि क्या कर रहे हैं, उसके बाद अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर ये मौका मिलेगा हुआ सरकार से, ज़रूर ये क्लैरिफिकेशन मांगेंगे। देखिए, हमारा मकसद ये है कि देश की हित, ये सियासत करने की समय नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए हम सब चिंतित है, देश की हित के लिए हम सब चिंतित है और इसी माहौल में हम लोग, हमारा पार्टी बराबर ये सरकार को और ताकतवर करना और साथ साथ हमारी देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बराबर हम काम करते हैं। आज भी कर रहा हूँ, अगले दिन भी करते रहूँगा। आप लोगों की मांग पर जब ये बुलाया गया है सभी दलों को ब्रीफ करने के लिए, आप इसका स्वागत करते हैं कि सरकार ने? जरूर स्वागत करते हैं। अरे, हम ही लोगों ने तो मांग किया था, मैंने सर्वप्रथम यह मांग किया था, जरूर स्वागत करेंगे कि सरकार विपक्ष को साथ ले, संगन में ले। दादा, आप चाहते क्या है कि किन बातों को आप लोगों के सामने रखा जाए, किसकी जानकारी चाहते? देखिए, सरकार कम से कम ब्रीफ तो करे, उसके बाद हम, हमारे जो पुष्टिकरण चाहिए मैं वहाँ बताऊंगा। इस विषय में हम सारे सब चिंतित है, ये सारे सरकार जरूर हमें स्पष्टीकरण करेंगे और सरकार की आलोचना नहीं, बिल्कुल हम दोबारा फिर दोहराता हूँ कि ये सरकार को इस समय में आलोचना नहीं सरकार के खिलाफ, बल्कि सरकार को मजबूत करना, सरकार को ताकतवर करना और देश की सुरक्षा को और ताकतवर करना सबसे बड़ी बात है कि देश की हित के लिए जो जो कदम उठाए जाएंगे हम सब सरकार को इस विषय पे मदद करने के लिए तैयार है। सरकार ने मन बनाया है तालिबान से अब इंगेज किया जाएगा, आपको लगता है कि ये कदम ठीक होगा? देखिए, ये सरकार की फैसला जरूर कुछ सोच समझ के किए गए हैं, ये बाद में हम बता सकेंगे,
इसी समय हम इस चीज़ पे कोई बयान देने की स्थिति पे नहीं हूँ। कम से कम सरकार को तो पहले क्लैरिफाई करना चाहिए सरकार की अपना रुख रवैया क्या है। ये हमारा मांग था कि जब विदेशों में सारे दुनिया में चर्चा हो रहे हैं तो हिंदुस्तान क्यों चुप बैठे हैं। आप सारे विपक्ष दलों को बुलाइए, हम जानना चाहते हैं कि ताजी हालत क्या है, हमारा क्या दिशा निर्देश है, हम क्या करना चाहते हैं। यही हमारा मांग था, सरकार ने हमें बुलाया, हम खुश हैं। तो बैठक से पहले कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि भारत सरकार अलग थलग पड़ गई ऐसा लगता है। हालांकि आज जब ये बैठक में सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो सरकार अपनी स्थिति पूरी तरह से अफगानिस्तान को लेकर नीति सब साफ करेगी। हमारे साथ विवेक काटजू साहब जुड़ गए हैं, अफगानिस्तान में राजदूत रह चुके हैं। विवेक काटजू साहब, इस तरह की बैठकों का सरकार अक्सर आयोजन करती रही है लेकिन इस सरकार में पहली बार हो रहा है कि किसी विदेश से जुड़े मामले पर भारत सरकार तमाम राजनीतिक दलों को जो भारत सरकार का रुख है वो उसके कुछ हिस्से साझा करेगी। किस तरह के हिस्से इस तरह की बैठकों में साझा किए जाते हैं? देखिए, जो बुनियादी नीति अपनानी है उस पर हर सरकार चाहती है कि जो क्रिटिकल इश्यूज हो, ऐसे मुद्दे हो जो देश के फंडामेंटल हितों से जुड़े हैं, उस पे एक राजनीतिक कंसेंसस बने, एक सर्व सहमति बने कि दुनिया समझे कि भारत एक इस और भारत का राजनीतिक वर्ग एक है, एक राय से पे वो चल रहे हैं। और यही हमारी विदेश नीति की पहले से खासियत रही। ये अगर आप देखें तो पहले जो नॉन अलाइन नीति होती थी उसका सब पूरा राजनीतिक दलों में राजनीतिक वर्ग उसका सहयोग करते थे जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने से। उसके बाद फिर 1971 में जब लड़ाई हुई तो फिर किस तरह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी लेकिन अटल जी ने किस तरह से उनका सहयोग किया। उस जमाने में तो विपक्ष में थे ये लोग, तब विपक्ष एक मजबूत होके पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहा तो फिर दुनिया को पता चला, पाकिस्तान को पता चला और उसके साथ साथ हमारे देश को पता चला कि एक राय है, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं। आज के दिन मुझे मेरा मानना है कि जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही पश्चिम पड़ोस में इन देशों में जहां पर पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, मध्य एशिया के देश है, वहां बहुत गंभीर चुनौती है। अमरीकन तो जा रहे हैं, पश्चिम के देश कुछ भी कहें वो भी जा रहे हैं। रूस और ईरान ने तालिबान की तरफ अपना रुख अलग कर लिया। चीन, मेरा ये मानना है सबसे बड़ी चुनौती चीन से हो। चीन आप देखें, पाकिस्तान अभी अब तो एक प्रकार से उनका क्लाइंट देश है, जो चीन चाहता है पाकिस्तान वो ही करे। ईरान में चीन का रोल बढ़ता जा रहा है, ये चीन ने ऐलान किया था पिछले साल कि 20 आने वाले 20 सालों में $400 बिलियन का वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा। मध्य एशिया के देशों में चीन का रोल बहुत मजबूत है, आर्थिक रूप से वो चीन चाहता है कि मध्य एशिया के देश ईरान पाकिस्तान उनके साथ जुड़े। अफगानिस्तान अभी तक इसमें प्रश्न चिन्ह था चीन के साथ, लेकिन तालिबान के आने के बाद मेरा पूरा विश्वास है कि चीन वहां पर अपने कदम तीव्रता से बढ़ाएगा। हाँ, वो गलतियां वो नहीं करेगा जो कि पहले सोवियत यूनियन या रूस ने की थी और अब अमेरिका ने 20 साल की। उस सब से बचते हुए चीन वहां पर अपना आर्थिक रोल तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और इस सब का जो असर हमारे हितों पर पड़ेगा वो नेगेटिव होगा, वो नकारात्मक होगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन की ये बैठक बहुत ही जरूरी है, एक निर्णायक बैठक है और मैं ये उम्मीद करता हूँ, एक पूर्व राजनयिक की हैसियत से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो फैसले आज के दिन होंगे वो भावनाओं के आधार पे नहीं हो। हाँ, हम सब चाहते हैं मानव अधिकार की सुरक्षा, लेकिन हम भारत के जो सामरिक हित वो सर्वप्रथम होने चाहिए और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को सामने रखते हुए अब
मैं आज ही नहीं, मैं तो कई सालों से कह रहा हूं कि जिस जो परिस्थितियां बन रही थी अफगानिस्तान में, उस वो साफ था कि जो वहां की सरकार थी वो कमजोर होती जा रही थी। अमरीका चाहते थे कि वापस जाएं और तालिबान का बलवान होते जा रहे थे, इसलिए दुनिया के हर देश जब तालिबान से बात कर रहा था तो हमको भी चाहिए था कि तालिबान से बात करें, लेकिन अब तो वो काबुल में है और सरकार बनाएंगे तो इसलिए उनसे बात करना जरूरी है। हाँ, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन का जो बातचीत है, मान्यता की बातचीत जो है, औपचारिक मान्यता की बातचीत है, वो थोड़ा अलग है। बिल्कुल, बहुत थोड़ा अलग है। इस पर आपसे आएंगे, विस्तार से बात करेंगे विवेक काटजू साहब, कि बातचीत करना और मान्यता देना दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन भारत सरकार का आज जो सामरिक आर्थिक हित जो जुड़े हुए हैं उसको लेकर क्या रुख होगा, आज की सर्वदलीय बैठक से साफ हो जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।